जैसा कि आप सभी दर्शकों को मैंने बताई थी बात कि स्मिता तपारिया जो हैं वो बिग बॉस के घर में आ रही हैं। ये वो मैच मेकर हैं जिनका नाम न सिर्फ इंडिया में है बकायदा अब्रॉड में भी है। अब आप सभी दर्शकों को बता दूं तो स्मिता तपारिया को भागना पड़ा, लिटरली भागना पड़ा और घर में तबाही मच गई है। अभी इस वक्त करंट लाइव न्यूज में मैं बताता हूं ना कि क्या हुआ है माजरा। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मैं मौजूद हूं तो आप लोग मुझे वहां पर, राहुल भोज नाम है तो आप मुझे वहां पर फॉलो करें। स्मिता तपारिया, जीशान और उनकी जो यू नो कंपनी है, फीमेल फ्रेंड है उर्वी, इन लोगों को भागना पड़ा। इन लोगों को लिटरली मैदान छोड़कर भागना पड़ा। रीजन क्या है? रीजन है फिल्म सिटी की लोकेशन और वहां पर मचा आतंक। दरअसल क्या होता है, स्मिता तपारिया आती हैं और जीशान और जो उनकी पार्टनर है उर्वी, उनको बुलाया जाता है बाहर। ठीक है, बातचीत का अच्छा सेशन चल रहा था, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन चल रही थी। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, इसी दौरान हम सबको पता है कि फिल्म सिटी है, फिल्म सिटी जंगल एरिया है और वहां पर बंदरों का हमला रहता है और ऐसे में वहां पर बंदरों ने अटैक कर दिया है दोस्तों। हालांकि हमें वीडियो फुटेजेस में नहीं दिखाया लेकिन वो आवाज, वो शोर, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं जो वो, तो बंदर, और बंदर पता है क्या कर रहे हैं वहां पे, बंदर गमलों को जो ऊपर सजा रखे हैं, गमलों उठा उठाकर फेंक रहे हैं। राइट, तो ऐसे में जी तुरंत बिग बॉस ने बोला कि हम कर्टन डाउन कर रहे हैं तो आप जो है जीशान और उर्वी आप जो है अंदर चले जाइए। राइट, और स्मिता जी आप भी आ जाइए। ठीक है, अब मेन गेट से आई थी स्मिता तो भैया वहां पे दरवाजा ही नहीं खोल रहे, यू नो दरवाजा ही नहीं खुला, जिसके चलते आपको बताना चाहता हूं कि वहां पे गमले गमले गिरने लगे, उनके ठीक आगे गिरा। और यहां पे कंटेंडर्स हंसी मजाक कर रहे हैं, कोई सीरियस हो गया है, कोई बुला रहा है कि मैडम आप यहां पर आ जाओ, इस तरीके से। फिर बिग बॉस ने इंटरप्ट किया, बिग बॉस ने बोला अभी वो बंद हो रहा है, ब्लाइंड जो फोल्ड्स हैं वो नीचे डाउन हो रहे हैं तो आप लोग अंदर चले जाइए। और स्मिता पता नहीं ठीक है कि नहीं, ये नहीं पता, अभी जैसे ही मैं और चेक करता हूँ, जैसे ही कुछ अपडेट आएगी आपको बताता हूँ।